जय गौ माता की। आज करीब रात में 10:30 बजे सूचना मिली थी कि एक गौवंश का ट्रक राजस्थान से आ रहा है, जिसकी मुखबिर की सूचना मुझे राजस्थान से मेरे गौ भक्तों ने दी थी। तो मैंने तुरंत सागर के पुलिस अधीक्षक जी को भी सूचना दी, साथ में डायल 100 सुरखी पुलिस को सभी को सूचना देकर ये गाड़ी अब चितौरा टोल नाके के आगे हम लोगों ने पकड़ी है, जिसमें देखा है कि इसमें करीब 50 से 55 के आसपास गौवंश हैं, जो कि हम लोगों ने पकड़े यहाँ पे पुलिस के सहयोग से, और यहाँ पर दयोदय गौशाला लेके आए हैं, जिनमें कि 2 गौवंश मृत हो गए हैं। बाकी गौवंशों को रतौना गौशाला में बीते दिन मालथौन जी के सानिध्य में रात में अभी हम लोग सभी टीम आई थी, हमारे संगठन के पूरे आप देख रहे हैं, सभी ने मिलकर ट्रक में से गायों को निकाला है और बहुत बुरी तरह से गौवंशों को भरा हुआ था। ये बहुत निंदनीय घटना है, ऐसी घटना भी 1 महीने में 4 बार गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं सागर जिले में। ये बहुत दुखद घटना है, इसमें शासन प्रशासन और सरकार से भी हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि गौवंश में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश और सागर जिले के गौभक्त आंदोलन के लिए विवश रहेंगे। जय